बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका ज़मीर। नाज़रीन, आज बात की जाएगी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के, उन्हें अहले यहूद खुदा का बेटा नऊज़ुबिल्लाह क्यों कहते थे। जिस तरह बनी इसराइल भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते थे। नाज़रीन, बख्त नसर ने जब बैतुल मक़दस, इसे मुक़दस भी कहते हैं लेकिन मैंने उलमा से सुना है कि बैतुल मक़दस पे हमला किया और वहाँ पे उसने बैतुल मक़दस की ईंट से ईंट बजा दी और वहाँ के मर्दों का उसने बेताशा कत्लेआम किया। वहाँ की औरतों को, बूढ़ों को और बच्चों को कैदी बनाकर वो बाबिल ले आया, जिसमें हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम उस वक़्त बहुत कम उम्र थे और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के लोगों को भी वो कैदी बनाकर बाबिल ले गया था। तो वहाँ पे जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल हुई है तो अल्लाह ताला ने आपको नबुव्वत से सरफराज फरमाया और वहाँ पर आपने बनू इसराइल के साथ जितना अरसा भी कैद काटी है उधर ही रहे हैं। फिर जब आपको वहाँ से रिहाई मिली है तो आप अपनी सवारी गधे पे सवार होकर वापस आए हैं तो दरियाए दजला के किनारे शाम के बादशाह के इबादत खाने के करीब उतरे हैं और वहाँ पर क्या देखते हैं कि पूरी बस्ती में गए हैं, उन्हें कोई एक इंसान भी उधर नहीं मिला, ना ही कोई जानवर, ज़िंदगी के कोई आसार नहीं थे। वो जितनी बस्ती थी वो सब खंडरात का मंजर पेश कर रही थी, लेकिन वहाँ के जो दरख्त थे ना वो फलों से लदे हुए थे। आपने वहाँ पे फल भी खाए हैं, अंगूर का रस पिया और कुछ रस अपने मशकीज़े में डाल लिया और कुछ वहाँ से फ्रूट भी अपनी टोकरी में रख लिया। तो आपको बड़ा तज्जुब हुआ कि अल्लाह ताला मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी किस तरह अता करेगा। आपको नऊज़ बिल्लाह अल्लाह की ज़ात में कोई शक नहीं था, ये आप अपने तज्जुब का इज़हार फरमा रहे थे। तो अल्लाह ताला ने मौत के फरिश्ते को भेजा कि जाओ और उज़ैर को मौत की नींद सुला दो। तो नाज़रीन, फिर मौत का फरिश्ता आया, उसने आपको और आपकी सवारी को जो गधा था उसे मौत की नींद सुला दिया। वहाँ पर आप 100 साल तक आप पर मौत की नींद तारी रही है। 100 साल के बाद अल्लाह ताला ने मौत के फरिश्ते को भेजा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और इनकी सवारी में रूह फूंक दो। तो नाज़रीन, जब वहाँ पे मौत का फरिश्ता आया ना तो उसने अल्लाह के हुक्म से पहले आपकी आंखें ठीक की हैं, फिर आपका दिल ठीक किया है ताकि अपनी आँखों से आप देख सके कि अल्लाह ताला मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी किस तरह अता करता है। तो जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ठीक हुए हैं तो फौरी तौर पे बैठ गए हैं। मौत के फरिश्ते ने पूछा कि आप यहाँ कितना अरसा ठहरे रहे हैं, तो आपने फरमाया 1 दिन या उससे आधा। फिर मौत के फरिश्ते ने फरमाया कि आप इधर अपना रस और फल भी देखें और जो आपके पास ये खुश्क रोटी थी उसे भी देखें, तो हर एक चीज़ तरोताज़ा थी। फिर मौत के फरिश्ते ने फरमाया कि सामने अपनी सवारी की तरफ़ देखें, जब उधर देखा तो वो जो गधा था उसकी बोसीदा अड़ियाँ बिखरी पड़ी थी। यही जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम देख रहे हैं तो गैब से आवाज़ आई है कि ऐ बोसीदा और बिखरी हुई अडियो, अपनी असली हालत में जुड़ जाओ। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की आँखों के सामने अड्डियाँ अपने जोड़ों के साथ मिलने लगी हैं, रगें अपने रगों के साथ मिलने लगी हैं। तो इस तरह पूरी अड्डियों का ढांचा बना है, फिर उन पे गोश्त आया, फिर उन पे जिल्द आई है, फिर उन पे बाल आए हैं। तो आपकी जो सवारी थी गधा वो फौरी तौर पे खड़ा हो गया और उसने अपनी मखसूस आवाज़ में ना बोलना शुरू कर दिया। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पे ना बड़ा तअज्जुब तारी था और जो मौत का फरिश्ता था ना उसने आपको वहाँ पे एक गिलास पानी का पिलाया, जिससे अल्लाह ताला ने, जूँ ही आपने पानी पिया है तो अल्लाह ताला ने आपके सीने में तौरात का जो इल्म है ना वो आपके सीने में भर दिया। क्योंकि जब बख्त नसर ने
बैतुल मक़दस पे हमला किया था, तो वहाँ के जितने भी उलमा थे, तौरात के आफिस थे, उन लोगों का उसने चुन चुन कर कत्लेआम किया था, और जो तौरात थी ना उसे उसने अपने कब्ज़े में ले लिया था। तो इस तरह अहले यहूद के पास अब जो तौरात है ना वो असली हालत में उनके पास नहीं मौजूद थी। तो आप इसी तजुब में जब अपने बस्ती की तरफ आए हैं तो उधर देखा सारा नक्शा ही बदली हो चुका था। आप अंदाजे से अपने घर गए हैं, वहाँ पे आपकी लौंडी बैठी हुई थी, जब आप घर से गए थे तो उसकी उम्र थी 20 साल, अब वो 120 साल की होगी थी, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने बिल्कुल जवान ज़िंदा किया है। आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके हत्ता के पोते भी बूढ़े हो चुके थे। तो आपने उस बुढ़िया से पूछा, अरे ये उज़ैर का घर है? उसने कहा बिल्कुल ये उज़ैर ने इस्लाम का घर है, लेकिन 100 साल हो गया है वो हमसे लापता हुए हैं, उनकी हमें कोई खबर नहीं, अब तो उनका नाम भी कोई नहीं लेता। ये कहकर वो बुढ़िया ना रोने लगी। तो आपने फरमाया मैं ही उज़ैर अलैहि सलाम हूँ। उसने कहा कि मेरे पास तो मेरी आंखें नहीं हैं, हज़रत उज़ैर अलैहि सलाम जब मरीज़ों के लिए दुआ करते थे अल्लाह ताला उन्हें फ़ौरन शफा बख्शता था, तो आप इस तरह करें अल्लाह से दुआ मांगें कि मेरा अल्लाह मुझे मेरी बिनाई वापस लुटा दे जिससे मैं आपको देख के पहचान लूँ। तो हज़रत उज़ैर अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी है और आपने अपने दोनों हाथ मुबारक उस बुढ़िया की आंखों पे लगाए हैं तो उसकी बिनाई फौरी तौर पे वापस आ गई। फिर आपने हुक्म किया है कि अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जाओ। तो नाजरीन वो बुढ़िया इस तरह खड़ी हुई है जैसे उसे ना पहले किसी ने रस्सियों से जकड़ रखा था और अभी अभी किसी ने उसे खोला है। तो उसने तस्दीक की कि आप ही उज़ैर अलैहि सलाम हैं। उसने आपकी उंगली पकड़ी है और मल्ले में ले गई है जिधर बनी इसराइल के लोग बैठे हुए थे, उन्हें बताया कि ये उज़ैर अलैहि सलाम है, मैं इनकी फलां लौंडी हूँ। उन्होंने कहा बुढ़िया तू क्या झूठ बोल रही है, जो इनकी लौंडी है उसकी तो आंखें भी नहीं रही, उसकी सेहत वो चल फिर ही नहीं सकती। उसने कहा इन्होंने दुआ की है जिससे मैं सेहतयाब हो गई हूँ और अल्लाह ताला ने मेरी बिनाई वापस कर दी है। तो वहाँ पर मजलिस में ना हज़रत उज़ैर अलैहि सलाम का एक बेटा बैठा हुआ था जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब के कंधों के दरमियान एक काले तिल का निशान था, अगर वो निशान मौजूद है तो ये मेरे वालिद साहब हैं। तो जब उन्होंने देखा तो कंधों के दरमियान वो तिल का निशान मौजूद था, इस तरह उन्होंने भी तस्दीक की कि ये मेरे वालिद साहब हैं। फिर उन लोगों के पास तौरात का इल्म नहीं था, आपने उन्हें तौरात की तालीम देनी शुरू कर दी, फिर आपने उन्हें तौरात लिखवाई, लेकिन वो थोड़ा सा ना शक का इज़हार करते थे आप पे। जब आप मुकम्मल तौरात उन्हें लिखवा चुके हैं ना, तो उनमें से एक बूढ़े ने कहा कि मेरे दादा ने मेरे बाप को और मेरे बाप ने मुझे ये वसीयत की थी कि फलां जगह पे हमारा एक बैल दफन है जिसके नीचे हमने तौरात को दफन किया था। वो जितना मजमा था वो सभी लोग गए हैं जिस जगह की उसने निशानदेही की, तो वहाँ पे जब उन्होंने खुदाई की तो नीचे से तौरात असली हालत में निकल आई। और फिर जब दोनों तौरातों को उन्होंने मिलाया जो हज़रत उज़ैर अलैहि सलाम ने लिखाई थी, एक लफ्ज़ का भी नाजरीन कोई फ़र्क नहीं था। जूँ ये उन लोगों ने मुशाहिदा किया ना कि इस तरह तो इस पर कोई फ़र्क नहीं है, ये हज़रत उज़ैर अलैहि सलाम ने जो इन्हें ज़ुबानी याद थी इन्होंने लिखाई है और जो हमें मिली है ये बिल्कुल बराबर आ रही हैं, तो फौरी तौर पे उन्होंने नारा बुलंद किया कि आप ही अल्लाह के बेटे हैं। तो उन्होंने इस तरह शिर्क करना शुरू कर दिया और आप पे ये बहुत बड़ी उन्होंने तोहमत लगा दी। तो इस वजह से नाज़रीन अहले यहूद आपको अल्लाह का बेटा कहते थे। आपने काफ़ी मुद्दत उनमें तबलीग की है। जब आपकी वफ़ात हुई है आपने विसाल फरमाया तो उस 458 कबल मसीह 200 साल आपने ज़िंदगी पाई है, और जिस बस्ती में आपका इंतकाल हुआ है उसका नाम था साबरा बाज़। इब्ने असाकर की तहकीक के मुताबिक आपकी कब्र अनवर दमिश्क में है। तो नाज़रीन
आज की मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम होता है। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह ने ज़िंदगी अता की तो इंशाल्लाह दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका और मेरा अमीन नासर हो। खुदा हाफिज़।